Thank you. Okay, guys, we can start. We would first start with the teaser for a quick recap. I would request everyone here to please sit. Yeah? Guys, are we ready for the teaser? Yeah. All right, then. Let's hit it. Art was screen pe nazar aata hai. And we already have a teaser mein dekh liya, and you'll see it very, very soon in the trailer as well. And let's get started. To start off with, I'll just request the CEO of Fox Pictures to please, Fox Studios, to come on this. We don't have a stage, but yes, to take the mic. Please give it up for Mr. Vijay Singh. Media friends, a very warm welcome, and thank you for your patience. I think all of you are aware that we at Foxstar are doing quite a few films. So I can confidently tell you that very rarely comes a story, and perhaps once in a lifetime comes such a special story. It's so true, but it's so unbelievable. And you know, you find yourself, you're almost pinching yourself to say, when you say, wow, is this something one person can go through in one life? So, yes, and this... And Sanju is that rare story, and what makes it that much more special is that it is in the hands of a master craftsman director, Raju Hirani. So we at Foxstar are very, very proud to present Sanju, and even more proud of our collaboration with two geniuses. There's Vidhu Vinod Chopra and Raju Hirani. It can't get better than that. And... to now sort of present to you the trailer and tell you a little more about it, I want to call my good friend, and he's absolutely unmatchable. He's 1 in 7 billion, Vidhu Vinod Chopra. सबसे पहले तो ये कहूँगा जो जो ये कह रहा है सच कह रहा है क्योंकि इसने कल फिल्म देखी है तो ये बिल्कुल इसने झूठ नहीं बोला है और उस दिन वैसे टीजर रिलीज पे आप लोगों में कितने लोग थे काफी लोग थे ना तो वो सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि फिल्म क्यों बनी कैसे बनी बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए थी वो सब अब मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उस दिन कह चुका हूं आज मैं सिर्फ एक बात कहूंगा जो उस दिन मैंने नहीं कही कि कोई भी फिल्म जो होती है वो अकिरा कुरोसावा ने कहा हमारे ऑफिस में हर जगह लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि अ फिल्म इज अ कोऑपरेटिव वर्कफोर्स based on individual human talent. So individually, jo talent Raju ka hai, jo Ranbir ka hai, wo mera nahi hai, jo mera hai, wo Paresh Rawal ka nahi hai, wo Manisha Koirala ka nahi hai, Diya ka nahi hai, Sonam ka nahi hai. To ye alag alag talent jo hai, jab ye saath mein achhe intention se, honesty se, judte hain, to ek cooperative workforce banta hai. Aur us cooperative workforce se hi achhi film banti hai. ऐसा मेरा मानना है ताली बजाना चाह रहे तो बजा दीजिए नहीं क्यों और आज का जो मैं ट्रेलर में आई वांट टू प्रेजेंट दैट कोऑपरेटिव वर्कफोर्स टू यू देयर इज सोनम इज हियर परेश इज हियर अपार्ट फ्रॉम विक्की कौशल इज हियर यू नो दिया इज हियर मनीषा इज ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो वेन दे टॉक ऑफ एक्टिंग वेन वी से रणबीर कपूर इज डन अ ग्रेट जॉब प्लीज रिमेंबर एन एक्टर इज रिएक्टिंग टू द अदर एक्टर एक अच्छे एक्टर के सामने आप एक घटिया एक्टर खड़ा कर दें जैसे आप मेरे सामने कोई घटिया जर्नलिस्ट खड़ा कर दें तो मैं जवाब क्या दूंगा शट अप ही बोलूंगा तो इंटरैक्शन जो होगी उसी से अच्छा सवाल जवाब होता है उसी से अच्छी चीजें निकलती हैं तो रणवीर के सामने आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की है तो जो उसके सामने के कलाकार हैं जैसे परेश है सब है सोनम उनकी मैं आज तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि उन सब की वजह से ये फिल्म बनी और ये बिल्कुल कोऑपरेटिव वर्कफोर्स है आप कभी आए हमारे ऑफिस में तो देखेंगे कुछ ज़्यादा लोग नहीं है जितने हैं सब के सब हमको फिल्म का वो जो चाय बनाता है वो भी कहता है सर ये शॉट ठीक नहीं है तो ये फिल्म वैसे बनी है अब
ये और नहीं कुछ ज्यादा, मैं आपको भी ट्रेलर दिखाता हूँ. तो लेट्स शो द ट्रेलर प्लीज. गाइस प्लीज गिव इट अप फॉर देम. हाँ जी, कैसा लगा ट्रेलर? हाँ क्या है? हाँ थोड़ा जोर से बोलिए ना. थैंक यू सो मच. सो लेट मी कॉल राजू हिरानी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू सॉ जस्ट नाउ. सो लेट राजू कम एंड टॉक. गुड आफ्टरनून एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. कैसा लगा मुझे भी बताइए ना. मैंने आई गेस एट द मोमेंट द ओनली इमोशन आई एम एनवेलप्ड विथ इज ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस. थैंकफुलनेस फॉर लाइफ टू बी सो काइंड. आपने जो देखा, ये यहाँ पहुँचने में इसकी शुरुआत होती है कई सालों पहले. It starts with a word, with a thought. So first of all, thank you to Sanju for sharing that one little thought, which finally became a film. और शुरुआत हुई तो फिर लोग जुड़ते जाते हैं, जैसा विनोद ने कुछ देर पहले कहा कि how it's a collaborative effort. So in the journey, people keep joining you from 1 to 2 to 3 to hundreds. And we all finally live together, breathe together, laugh together, fight together. And then the film reaches where it reaches. Fight together mein meri taraf dekha aapne? Note nahi, maine kahin nahi dekha. So a big thank you to the entire cast and crew. Some of them are here, some of them are still working in sound studios and DI and everywhere to finish the film. Without them this film could not have been there. And we have a lot of the cast here, some of them are not here, I miss them. Like one, Anushka is not here, Baman is not here, Anushka is shooting in US, but a lot of them are here, so I would like to call all of them one by one, and so you all can interact with them. So Paresh ji first, and it's Paresh ji's birthday today, so welcome, wish him. Manisha ji. Thank you. That's Sonam, Vicky, Dia, and finally Randhir. So, the character of Salman in the film. Dekhi, Vicky Salman nahi hai film mein, ye main aapko bata sakta hu. I agree. Vicky is actually a mix of Sanju ke kai friends hai, unki life ka ek tarah se mishran hai, aur ek specifically ek Sanju ke bahut hi aziz dost hain jo USA mein rehte hain, unka naam hai Paresh. Majority of his character traits, his personality is from Paresh's life. Next question. Hi, this मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में. हाय सर, ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है, आपने ट्रेलर को देखा. रणवीर सर, आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपको आप कैसे समराइज करेंगे इस 3 मिनट और 3 सेकंड के ट्रेलर को? आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू समराइज, क्योंकि हम इस फिल्म पे 2 साल हमने काम किया है. यू नो, यू फील के जो ट्रेलर होता है, वी ट्राई एंड रिप्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ द फिल्म, ताकि वो हम ऑडियंस को उत्साह सके. बट आई ऑलवेज हैड बिलीव इन द स्क्रिप्ट, इन द फिल्म, in Raju sir's vision. So it's way bigger than the trailer for me. You know, trailer is just a short window of what's going to come in the film.
एंड डायस पे आज बहुत सारे एक से बढ़कर एक सितारे हैं। मैं चाहूंगा कि संजय दत्त आपकी जिंदगी में कितना अहमियत रखते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने संजू को जाना, अगर आप लोग बता सकें। विदु सर अगर आप शुरू करें और विजय सर एंड करें। देखिए संजू को असल में जब वो संजू पहली बार जेल गया था, मैं उसको जानता नहीं था, तो उस वक्त अगर आपको याद हो, इन सबको याद होगा जो बैठे हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तो मैं संजू को जानता नहीं था, मैं उनके घर गया और मैंने एक फिल्म अनाउंस की और मुझे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, इंडस्ट्री ने ही ब्लैकलिस्ट किया। तो वो फिल्म हमने अनाउंस की, फिर जब संजू जेल से निकला तो उसने मुझे फ़ोन किया तो कहता कि मैं फिल्म बनाऊंगा आपके साथ। मैंने कहा भैया मेरी तो फिल्म है ही नहीं। उनका आपने तो अनाउंस किया। मैंने कहा यार वो तो मैं आई टुक अ स्टैंड बिकॉज टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी, टिल एनीबॉडी इज प्रूव गिल्टी इज इनोसेंट। तो उसको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, फिर वो घर आया और दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड ही सेड दैट वी विल वर्क टुगेदर। मैंने कहा नॉट नाउ, इट वॉज जस्ट अ स्टैंड आई टुक। देन वी वर्कड विद हिम फॉर मेनी फिल्म लाइक मिशन कश्मीर, एकलव्य, मुन्ना भाई। सो संजू इज लाइक अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। मगर जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनी, जब मुझे अभिजात जोशी और राजू ने सुनाई, तो जिस संजू को मैं जानता था, मुझे लगा कि मैं संजू को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये कहानी जो है और सच कहानी है, ये इतनी आगे है उस संजय से जो मैं 20 साल से 15 साल से जानता हूँ कि इट्स अनबिलीवेबल। ये मेरा संजू के साथ। डियर मनीषा जी, एक एक करके प्लीज अगर आप लोग दे दो लेंगे। मैं संजू सर कहती हूँ उन्हें, उनके साथ मैंने काफी फिल्में की हैं और हमेशा मेरा एहसास उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए यही रहा है कि ही इज बिन एक्सट्रीमली वार्म, अफेक्शनेट, काइंड, जेनरस। एंड जब मैंने ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो इट जस्ट ब्लू माई माइंड। आई कुडंट बिलीव हाउ लेयर्ड and how detailed this narrative was, and it revealed, you know, aap jab industry ka hissa hote hai, to you hear things about people, but when I heard the script, I heard things that I had never heard before, and that was just remarkable about it. And I felt like, for some reason, I feel closer to him now than I ever did before, and I feel more connected with him than ever before, and we all love him. Unanimously. The Baba that I know is all heart. And मैंने तीन चार फिल्में की उनके साथ। He's always been like a prankster, happy, all heart kind of a person. And I'm really looking forward to seeing this film because there's many aspects of his life that I don't know, I didn't know. So I'm keen to watch this movie. Hello, मेरा सवाल रणवीर जी से है, यहाँ पे, first seat. मुझे अक्षय खन्ना साहब का, I distinctly remember, मुझे कुछ 5 या 6 जनवरी को उनका SMS आता 2017 में, और देयर इज स्क्रिप्ट कमिंग योर वे, और ऐसा स्पिरिचुअल राइटिंग उन्होंने कहा मैंने कहीं देखा नहीं है। बाद में मैं मिला, मुझे बुलाया गया, मैं मिला, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बात बिल्कुल सही थी कि इतना स्पिरिचुअल राइटिंग हिंदी सिनेमा में कभी हुआ नहीं है। जबरदस्त स्क्रिप्ट थी एंड मुझे राजू हिरानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मुझे माय फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी। तो विनोद भाई विल अग्री टू इट, मैंने पैसे की भी बात नहीं की। एंड आई एम इन दिस फिल्म, और मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही लकी आदमी हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म मिली है, ऐसा किरदार करने को मिला उस बंदे का, कि जिस बंदे को मैं बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करता हूँ उनकी। और ऐसा इंसान, मैं ये शायद कहूँगा कि थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने दत्त साहब को देखा है, ऐसे इंसान थे। हेलो, मेरा सवाल रणबीर
उसका सवाल ही नहीं खत्म हुआ, उसने बड़ा लंबा सवाल पूछा एक आदमी ने, उसने सबको एक ही में ले लिया। सो कैलकुलेटली सेड, मेरे लिए एज फिल्म मेकर्स हम सब ग्रीडी होते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट मिले जो बहुत इंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, लोगों को हंसाए रुलाए। सो जब संजू से मैंने उनकी कहानी सुनी, तो एक कहानी तो जो है जो आप सबको पता है, काफ़ी प्रेस में उनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है, सब एक कहानी जानते हैं, पर मैंने जो एक कहानी सुनी जिसमें एक फादर सन की स्टोरी थी, एसेंशियली ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं कहीं पढ़े होंगे। तो आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा और दोस्ती की कहानी है, और हमने पूरी ईमानदारी से कही है, यानी जहां गलत है वहां गलत है, जहां सही है वहां सही है। सो फॉर मी इट वॉज ग्रेट टू गेट अ ग्रेट स्टोरी। I just wanted to work with Raju sir, so I said yes to the film. That and North Angles, so anything. I wanted to be a part of his production, and whatever films he's going to offer to me, I'll always say yes. So for the next 1 year, I'll be standing on stage with them only. So I'm very happy to be here, and I'm very happy to work with Ranbir after 10 years. Check. You okay? Hello. Check. All right. Okay. I think many people. मुझे, मैं छोटा था फिर मेरे कबर्ड के वॉल पे संजू सर का पोस्टर था, एंड नाउ टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम इन हिज शूज, यू नो, लुकिंग एट यू, एट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हिम, एंड आई थिंक इन माय लाइफ आई रियली वांट संजू सर टू लाइक मी। आई नो आई कैन नेवर बी द मैन ही इज, आई कैन नेवर बी द पर्सन ही इज, बट इन एवरी विच वे दैट आई गो अबाउट इन माई करियर एज अ पर्सन, इवन थ्रू दिस फिल्म, आई रियली वॉन्ट संजू सर टू लाइक मी, बिकॉज आई फील दैट ही इज अ मैन दैट आई रिस्पेक्ट अ लॉट, आई रियली लुक अप टू हिम, and I really hope that he feels that I have represented his life in a very honest and true way. Aap sab ki tarah main bhi unki film mein dekhkar bada hua hu, aur mujhe abhi bhi yaad hai kyunki hamare ghar mein ek tasveer hai jahan papa before becoming an action director as a stuntman Sanju sir ke body double the in one of his films, so abhi bhi mere paas ek tasveer hai, unhone same costume pehna hua hai and between shots mitti mein hai aur sab kuch, wo tasveer mujhe abhi bhi yaad hai. So for now after so many years mujhe unke life ka play karne ka jo mauka hai, thank you. Shyam is here, Vicky's dad is here, sir, give it up for Shyam Kaushal sir, one of the top sun directors in the country, and we also have Bhushan sir joining us from T series. म्यूजिक रिलीज कर देगा टाइम पर के नहीं, वो पूछ रहा हूँ इसको, ट्रेलर पे तो लेटा था। ओके, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेड इन द ओपनिंग, आई थिंक एज फॉक्स वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू प्रेजेंट दिस वेरी स्पेशल फिल्म, इट इज एवरीथिंग यू गाइस थिंक यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। रणबीर आपके राइट में यहाँ पे, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुक माय शो, बहुत बहुत बधाई आप सबको, ट्रेलर स्पेल बाउंडिंग और जो मेहनत है वो दिख रही है स्क्रीन पे। मेरा आपसे सवाल है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिक, ऐसे मोमेंट्स रहे हैं दैट व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म दैट इट आपको ऐसा लगा दैट इट्स टोल, मतलब इतना हमने ड्रामा देखा इस ट्रेलर में, हमने इतना ड्रामा देखा, सो वर देयर एनी मोमेंट्स ऑफ वर देयर एनी डेज स्पीच है एज एन एक्टर, यू नो, बिकॉज़ आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस पार्ट, तो इट डजंट बॉदर यू दैट मच, बट देन व्हाइल आई वाज एक्टिंग आई वाज रियली इमेजिनिंग व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू, happening to me, ye sab makeup hai khoon unka ya jo bhi jail mein ho raha tha ya whatever has happened in his life, so I think just thinking about what he must be going through was such a inspiration for me that the film was fairly easy, you know, and also to have such an incredible cast, to have Raju sir, everything was smooth sailing. Okay Ranbir, ek aur ek sawal hai ki has this film changed you as a person or improved you as a person, because you are playing a character who has never gave up in his life, so has it improved you? I think subconsciously every character you play, and that's why you choose them, you want to imbibe certain qualities from them, and I think Sanju sir's life is such that we all can learn something from his mistakes, that's why he has given it so gracefully ke these are the mistakes I made, you know, and so I think his mistakes is something that, you know, I can really understand and I can learn from. Hello Ranveer ji yahan pe Aarti Saxena. Okay here first row. Aap na ek saal se Sanjay Dutt ko jee rahe hain, तो वापस रणबीर कपूर बनने में अभी आपको कितनी प्रॉब्लम आई?
नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. मैं सीधा एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसमें घुस गया था. एंड आई थिंक ऐसा बहुत होता है एक्टर्स के साथ, क्योंकि वाइल वी आर प्रमोटिंग अ फिल्म वी ऑलरेडी वर्किंग ऑन अनदर फिल्म. तो आई एम ऑलरेडी ऑन अनदर कैरेक्टर राइट नाउ, सो इट्स थैंकफुली इट वाज स्मूथ फॉर मी. अच्छा, संजू जी ने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी 108 गर्लफ्रेंड्स थी. आप 308 200 की कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी. तो आपका अगर कभी बायोग्राफी बनी तो आप कितनी गर्लफ्रेंड ईमानदारी से बताएंगे? नहीं, मैं तो एक्चुअली अलाउ करूंगा ही नहीं. आई डोंट थिंक मैं संजू सर के जैसे, आई एम नॉट अ करेजियस मैन टू गिव माय लाइफ आउट सो ओपनली, बट मेरी काउंट 10 से भी कम है. अच्छा. तो मेरे पे बायोपिक नहीं बन सकती. अच्छा, इसके बाद आप कोई बायोपिक का आपको ऑफर मिला तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल. आई थिंक एनी स्टोरी दैट इंस्पायर्स, अगर वो बायोपिक हो या फिक्शन हो, एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्टोरी टू बी टोल्ड, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाय रणबीर. प्रशांत फ्रॉम ईटीवी. एक जो पोस्टर आया था अभी हाल ही में आपका और परेश जी का, बहुत इमोशनल पोस्टर था, उस सीन के बारे में बताएं. और वो एक पोस्टर ऐसा था जिसके बारे में बहुत बातें हुई और लोगों के दिलों में घर कर गया, वो उस खास सीन के बारे में कुछ बता पाए अगर? आई थिंक जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि संजू सर एक ड्रग फेज से गुजरे. ही वेंट सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिमसेल्फ, ही कम्प्लीटली लॉस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. एंड ही एक्चुअली रॉकी के प्रीमियर के बाहर जब फिल्म चल रही थी, ही वेंट टू हिज फादर एंड सेड के आई एम गॉन, इफ यू डोंट सेव मी राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव. एंड दैट्स व्हेन सुनील साहब रियलाइज दैट हिज सन हैज गॉन सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही डिसाइडेड कि यू नो इट्स टाइम दैट नाउ आई विल लिव माय लाइफ टू मेक माय सन ओके. एंड ही टुक हिम टू अमेरिका टू रिहैब. So that was a very important moment in Sanju sir's life. You know, it was a changing moment. He would have either died or you would have survived. And I think he was very brave enough to want to fight the drugs. Raju sir, filmen jaise aapne kaha ki ek idea hoti hain aur ek baat se shuru hoti hai. To wo lamha kya tha jab aap is film ki shuruaat hui ya iske bare mein baat cheet hui? Uske bare mein pura bata. Dekhiye, maine Sanju ke sath दो मुन्ना भाई फिल्में की थी, पीके में भी उन्होंने एक रोल किया था. तो मुझे लगता था मैं संजू को जानता हूं, पर जब संजू परोल से बाहर आए थे कुछ वक्त के लिए, तो मैं उनसे मिलने गया और तब मुझे पता लगा कि जो मैं संजू के बारे में जानता था वो उतना ही है जितनी दुनिया जानती थी. आई वॉज नेवर वेरी क्लोज टू हिम कि हम बैठ के कुछ रात को पार्टियां कर रहे हो. ही वॉज वर्किंग विथ मी और मैं उतना ही जानता था. तो जब वो परोल पे आए तो उन्होंने I think it was just venting out, ऐसे खुल के बताना शुरू किया कि जेल में कैसे वक्त बीतता है. So I got very fascinated with it. फिर उन्होंने अगले दिन फोन किया कि क्या कर रहे हो, आ जाओ. फिर मैं अगले दिन गया, फिर उन्होंने, मुझे लगा पहली बार खुल के वो ऐसे बात करना चाहते थे, उन्होंने जब बताना शुरू किया तब मैंने अभिजात को फोन किया तीसरे दिन, और वो अहमदाबाद में था. मैंने कहा अभिजात आ जाओ, यहाँ मैं जो सुन रहा हूँ वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है. तो उसके बाद हम लोग 25 दिन रोज शाम को 5 बजे जाते थे उसके घर पे, 3 बजे तक बैठते थे और सुनते थे, वो रिकॉर्ड भी किया हम लोगों ने. तब मुझे लगा कि एक्चुअली उनके घर से जब निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हमने जिंदगी जी नहीं है, वी फेल्ट लाइक ड्वार्फ्स कि ये क्या जिंदगी है. और फिर वहां उस दौरान ऐसा लगा कि एक दिन सुनने के बाद दारू वारू पी के लोगों ने फोन किया कि हमने जिंदगी तो संजय दत्त ने जी है, हमने तो कुछ जिया ही नहीं है, बड़ी बोरिंग लाइफ है हम लोगों की. हाय संदीप हियर फ्रॉम ANI. सर सभी को नमस्कार. मेरा सवाल है परेश सर से, एट द टॉप सर, सेंटर में, यहाँ पर काफी ऊपर हूँ मैं. मेरा परेश सर से सवाल है. सर सवाल ये है कि आप रियल जिंदगी में अगर हम कहें तो आप खड़े हो जाएंगे प्लीज इफ यू डोंट माइंड. आप राजनीतिक करियर भी अभी आपने शुरू किया है और साथ साथ आप एक्टर भी हैं, और लगभग सुनील दत्त साहब का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सर. कुछ इसी प्रकार का उनका भी जीवन रहा जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा आई कि अभी मैं किसी और पक्ष में हूं और वो किसी और पक्ष में थे, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने में ऐसी दुविधा आई? मेरी सोच कभी ऐसी होती नहीं है, नंबर वन. और दूसरी बात है, मेरे मन में सिर्फ एक ही दुविधा थी कि वो बहुत बड़े बहुत अच्छे इंसान थे, वो जो अच्छाई है वो क्या मैं पर्दे पे ला सकूं, कि यही दुविधा थी. सर आप उनको बताइए ना किस्सा, वो चिट्ठी वाला एक, आप हैरान होंगे, बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन मुझे लगता है.
2005 के अंदर 25 मई को मैं अमेरिका में मेरे ड्रामा के शो कर रहा था और मैं यहाँ पे आया हुआ था। दीवाने हुए पागल फिल्म का कुछ पैचवर्क था और जो ललित होटल है ना वहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ मैं गया सीधा लैंड होके और मैंने घर पे फोन किया स्वरूप को कि मैंने बोला मैं आ गया हूँ लेकिन मैं शूटिंग खत्म होने के बाद मैं घर पे आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो दत्त साहब का कुछ लेटर आया हुआ है। मतलब किसका? बोला सुनील दत्त साहब का। बोला मुझे क्यों खत लिखेंगे? बोलते नहीं तुम्हारी बर्थडे है वो विश। बोला मेरी बर्थडे 30 तारीख को, 5 दिन पहले क्यों लिखेंगे? तो बोलते नहीं उन्होंने खत लिखा है। बोला ठीक है। बाद में स्ट्रेट कट टू जब मैं इनके पास गया था 2 जनवरी 2017 में उनके ऑफिस में बैठ के मैं नरेशन सुन रहा था तो स्वरूप का मुझे फोन आया था कि तुम्हारे ड्रॉअर के अंदर वो लेटर पड़ा हुआ है दत्त साहब का, क्या करें? बिकॉज आई हैड आस्क्ड हर टू गेट सम डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ड्रॉअर। तो मैंने बोला अभी भी लेटर पड़ा हुआ है? तो एक कमाल का कनेक्शन था और वो लेटर मैंने दिखाया इनको कि दत्त साहब नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बर्थडे विशेष वाले जो खत आते हो आप रखते हो फिर थोड़े दिन के बाद निकाल देते हो। ये 12 साल के बाद 2005 से लेकर 2017 तक वो खत पड़ा हुआ था मेरे ड्रॉअर में। एक कमाल का कनेक्शन है, मैं इसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ये था कनेक्शन कि दत्त साहब का रोल करना मेरे नसीब में होगा शायद। विनोद जी, रणवीर आपसे मेरा सवाल है, आपके राइट में स्ट्रेट, सॉरी आपके लेफ्ट। अभी रणवीर एक वीडियो आया है जिसमें ऋषि कपूर साहब काफी इमोशनल हैं देख के और उन्होंने नीतू जी से कहा है कि आई स्वेयर ये मुझे रणवीर नहीं लग रहा है। तो ये फिल्म भी फादर और सन रिलेशनशिप पे, देखने के बाद आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने और आपके लिए क्या इमोशनल मोमेंट रहा? पहले तो बिसाइड्स बी माय फादर ही इज आल्सो एन एक्टर आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट। तो जब राजू सर ने ये रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, मैं उस वक्त कहीं और शूट कर रहा था, पापा कभी बोलते नहीं है मेरे चेहरे पे कि यू नो आपने अच्छा काम किया है। नॉट दैट आई एक्सपेक्टेड एंड ऑल, बट यू नो व्हेन यू हियर सच वर्ड्स कमिंग फ्रॉम हिम, नॉट ओनली बिकॉज ही इज माय फादर, बिकॉज ही इज एन एक्टर आई लव, यू नो इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी। यू नो इट रियली मूव्ड मी, इट मेड मी वेरी इमोशनल, बिकॉज एवरी फादर वॉन्ट्स द सन टू डू वेल, बट माई फादर इज वेरी केयरफुल कि वो ऐसे फ्री में कॉम्प्लीमेंट देंगे नहीं। यू नो वो हमें हमेशा कहते कि कसर रही, यू नो वर्क हार्डर। सो दिस वॉज अ वंडरफुल गिफ्ट दैट राजू सर एंड विदू सर हैड सेंट मी हिज वीडियो। राजू सर आपसे एक सवाल है कि आपके फिल्में जब भी हमने देखी है उसमें आपका ह्यूमर हमेशा रहता है, एक ह्यूमर एंगल आप हमेशा जोड़ते हैं। इस फिल्म में एक मतलब जब हम कल्पना कर रहे थे तो ऐसा था कि संजय दत्त की लाइफ इतनी सीरियस रही है तो उस तरीके से ही पर्दे पे आएगी, लेकिन आपके मन में कहीं ये बात थी कि ह्यूमर जोड़ना भी जरूरी है फिल्म को एंगल, क्योंकि पहला जो टीजर आपने लाया है वो पूरी तरह से प्रेजेंट किया है तो ताकि ऑडियंस को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए हर फिल्म का डीएनए अलग होता है, कुछ फिल्म में ड्रामा होता है, कहीं इमोशंस होते हैं, कहीं लाफ्टर होता है, कुछ फिल्म में हर चीजों का एक मिश्रण होता है। तो मैं कहूंगा इस फिल्म में भी एक्चुअली अभिजात हमने एक कमेंट बनाया हुआ LCD कहते हैं हम उसे, कोशिश करो कि हर फिल्म में लाफ क्राई और ड्रामा हो पर उनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये फिल्म मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा ड्रामा और ज्यादा इमोशन है। ऐसा नहीं कि फन नहीं है, फन है डेफिनेटली है, मगर वो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। तो आई डोंट थिंक हमको कंपेयर करना चाहिए कि हर फिल्म का, आप अगर मुझसे कहें कि PK क्या है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कोई कॉमेडी फिल्म है, वो नहीं कॉमेडी फिल्म, वो भी एक बहुत बड़ी बात कह रही है, या इवन लगे रहो मुन्ना भाई फॉर दैट मैटर, उन सब में भी ह्यूमर होता है मगर देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा एंड लॉट ऑफ अदर इमोशन। सो इस फिल्म में बहुत ज्यादा इमोशन है मगर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फन कम मिल रहा है। वो लास्ट सीन आपने देखा ही अभी, वो लैंडलाइन पे फोन किया। विनोद जी दिस साइड, विनोद जी टुवर्ड्स योर राइट, वुड इट बी राइट टू से दैट यू आर रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द इमेज ऑफ संजय दत्त, बिकॉज आफ्टर यू आर द वन हु गेव हिम MBBS मुन्ना भाई MBBS एंड ऑल पॉजिटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू नो। ये सवाल तो आपको संजय दत्त से पूछना पड़ेगा, मैं इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं जब फिल्म बनाता हूं, कोई भी फिल्म बनाता हूं या किसी फिल्म से भी एसोसिएट होता हूं तो मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मैं इसकी कुछ इमेज सुधार दूं, इसकी इमेज बिगाड़ दूं, इसका ये कर दूं। वो फिल्म से हो जाता है, हर फिल्म से हो जाता है। हाँ मैं समझता हूँ मुन्ना भाई MBBS से लेके उसका
हो सकता है आपने सवाल पूछा तो मुझे थैंक यू नोट कल भेज दे अगर वो सुने तो बड़ी मेहरबानी होगी. फूल भेज सकता है, कुछ वाइन भेज सकता है, कुछ मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि ये कुछ थोड़ा वायरल हो जाए उस तक ये सवाल पहुंच जाए तो शायद वो थैंक यू कर दे. नहीं रणबीर वन क्वेश्चन, आप कहते हो मैं ठरकी हूँ, मैं रोमांटिक हूँ, मैं ड्रगिस्ट हूँ. ये नहीं है नहीं, मालूम है मुझे. ये विचार संजू है, संजू. हाँ हाँ, कैरेक्टर के लिए मैं बोल रही हूँ. ऑन रील आई एम कंप्लीटिंग इट. सो विच वन यू एंजॉय, रोमांटिक, बीइंग रोमांटिक? ऑफ कोर्स बीइंग ड्रगिस्ट मस्ट हैव बीन क्वाइट टफ. रोमांटिक ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर आल्सो रोमांटिक एट हार्ट. यस एब्सोल्युटली.